सलमान खान पहुंच गए हैं फिल्म सिटी। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बीच भी बिग बॉस 18 की शूटिंग करने से पीछे नहीं हटे हैं सलमान खान। हाई अलर्ट पर है सलमान की सिक्योरिटी और 16 गार्ड भी तैनात किए गए हैं। सलमान को लॉरेंस बिश्नोई लगातार धमकी दे रहा है, पर सलमान है कि काम से पीछे ही नहीं हट रहे। सलमान खान वीकेंड का बार शूट करने फिल्म सिटी पहुंचे हैं, जहां पर उनकी टाइट सिक्योरिटी रखी गई है। 60 गार्ड्स अलर्ट पर हैं और एक्टर के लिए सेट पर एक खास तरह का कंपाउंड भी बनाया गया है। वेल, दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार सलमान खान को धमकियां दे रहा है। इसी बीच खबरें आई थी कि वीकेंड का बार वो शूट नहीं करेंगे, लेकिन सलमान खान की सिक्योरिटी टाइट करने के बाद सलमान खान बिग बॉस 18 के सेट पर पहुंच गए। रिसेंटली सलमान खान के करीबी दोस्त और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद से उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच 18 अक्टूबर की सुबह सलमान को बिश्नोई गैंग की तरफ से फिर से धमकी मिली, जहाँ पर उनसे 5 करोड़ की फिरौती भी मांगी गई। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि सलमान खान इस बार वीकेंड का वार शूट नहीं करेंगे, लेकिन वो ना सिर्फ शूट के लिए फिल्म सिटी पहुंचे, बल्कि तगड़ी सिक्योरिटी के बीच टाइम पर शूट करने पहुंच गए। मीडिया सोर्सेस से ये पता चला है कि सलमान के लिए एक खास तरह का कंपाउंड बनाया गया है, जिसमें किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। इसी कंपाउंड के अंदर सलमान की शूटिंग की जाएगी, जिसे सुरक्षा से काफ़ी चाक चौबंद कर दिया गया है। अगर किसी को कंपाउंड के अंदर एंट्री करनी होगी तो पहले उसके सारे पेपर्स वेरीफाई किए जाएंगे और उसका आधार कार्ड भी वेरीफाई किया जाएगा, उसी के बाद उसे एंट्री मिल पाएगी। यही नहीं, बिग बॉस 18 की टीम को भी कहा गया है कि शूट खत्म होने तक वो सेट पर ही रहें, कहीं ना जाएं। वीकेंड का वार की शूटिंग शुक्रवार 18 अक्टूबर को दोपहर लंच के बाद शुरू हुई और शाम तक होगी। सलमान एक साथ दोनों वीकेंड के वार के एपिसोड की शूटिंग करेंगे। सेट पर 60 गार्ड को तैनात किया गया है, जो हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखेंगे। पूरे एरिया की मॉनिटरिंग की जाएगी। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर की सुबह मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक मैसेज आया था, जहां पर सलमान को धमकी मिली थी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करने के लिए सलमान से 5 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई। लॉरेंस सलमान के पीछे साल 1998 से पड़ा है, जब से काले हिरन के शिकार मामले में सलमान का नाम सामने आया था। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद से सलमान खान की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, बल्कि उसमें बदलाव भी किए गए हैं। पुलिस ने अप्रैल में सलमान को गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी के बाद से वाई प्लस सिक्योरिटी कवर दिया था। साथ में शेरा की प्राइवेट सिक्योरिटी भी उनके लिए लगाई गई है, जो सलमान की सुरक्षा कर रही है। शेरा की सिक्योरिटी में करीब 40 लोग हैं, जो सलमान की सुरक्षा में लगे हुए हैं। वहीं सलमान की वाई प्लस सिक्योरिटी में 11 पुलिसकर्मी हैं, जिनमें 2 से 4 कमांडो भी होते हैं, और अब इस सिक्योरिटी में एक घेरा और बढ़ा दिया गया है। अब सलमान जहां भी जाएंगे, उनके पहले वहां पुलिस थाने को बताया जाएगा, उस जगह की अच्छी तरीके से छानबीन की जाएगी। साथ ही सलमान संग पुलिस वाला भी होगा, जो सभी तरह के हथियार चलाने में माहिर होगा। वेल, सलमान खान ने तो यहां अपनी शूटिंग शुरू कर दी है, लेकिन अगर आप सलमान के फैन हैं तो आप सलमान को क्या हिदायत देने चाहेंगे और क्या कमेंट ना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह के एंटरटेनमेंट और गॉसिप से जुड़ी हुई खबरों के लिए फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।